हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो मेरी लाइव क्लासरूम में से सिलेक्टेड इलस्ट्रेशन है। ये सेट ऑफ वीडियोस आर डिजाइंड सो दैट आपको जेईई और नीट की प्रिपरेशन के लिए नेविगेशन मिलता रहे। ये क्वेश्चन बहुत तेजी से सॉल्व करके देना मेरे को। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आप लास्ट क्लास में किए हो। 53 डिग्री, 37 डिग्री, ये पुली, ये 5 kg, ये 3 kg। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। आप मान के चलो ये वेज फिक्स्ड है। नंबर टू, फाइंड टेंशन। नंबर थ्री, फाइंड नेट फोर्स ऑन पुली। ये वाला पार्ट नया है, पहले दोनों पार्ट फटाफट करके दो मेरे को। सिंपल एफबीडी याद है, मैंने एफबीडी बताया था आपको कैसे करना है। ये 5 है, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा कंपोनेंट 50, साइन 53, और इधर है टेंशन। यहां पे कितना हो जाएगा, साइन थीटा कंपोनेंट साइन 37, यहाँ पे टेंशन। मुझे पता है एक्सेलरेशन इधर होगा और यहाँ एक्सेलरेशन इधर होगा 3 kg। चलो इक्वेशन लिख के बताओ। यहाँ पे 50 साइन 53 कितना होता है, साइन 53 इज 4/5, 40, तो ये हो जाएगा 40। 30 साइन 37, साइन 37 तो 3/5, 5 6 6 3 18, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन यहाँ पे, तो बताओ यहाँ लेफ्ट हैंड साइड वाले की इक्वेशन क्या बनी, 40 - t इज इक्वल टू 5 है। राइट हैंड साइड की इक्वेशन क्या बनी, ऊपर जा रहा है ना तो टेंशन ज्यादा है, t - 18 इज इक्वल टू 3 है। इनका सॉल्विंग मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, 40 - t इज इक्वल टू 5 है, t - 18 इज इक्वल टू 3 है। एड बोथ ऑफ देम, तो 40 - 18 कितना हो गया, 22। 22/5 इज माय एक्सेलरेशन। देखे चलो किसका सही था, 22/8 आएगा। हाँ, सॉरी 22/8। जैनम योर आंसर इज करेक्ट। तो चलो अब टेंशन निकाल दें, टी इज इक्वल टू 3 × 22/8 + 18, 66/8 + 18, तो टेंशन कितना हो गया, इट इज 64 × 8 × 9 × 11 × 12 × 13 × 14 144 + 66/8, कितना हो गया 150 + 60 210/8 newton। ये भी हो गया, ये भी हो गया। देखे जरा व्हाट वाज द आंसर, ठीक है, 105/4 सीम्स करेक्ट। चलो अब थर्ड पार्ट पे आते हैं जो कि थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है। फाइंड द नेट फोर्स ऑन द पुली। तो नेट फोर्स ऑन द पुली निकालना है ना, तो चलो पुली का एफबीडी बनाते हैं। यहाँ पे टेंशन और यहाँ पे टेंशन, ये कितने एंगल पे था 53, ये कितने एंगल पे था 37 डिग्री। तो एक पुली को दो जगह से टेंशन खींच रहे हैं अलग अलग एंगल से, ठीक है। तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, कोई बताएगा कितना हो जाएगा, 53 + 37 हो गया 90। इनके बीच का एंगल हो गया 90। याद करो, अगर दो फोर्सेस हैं, इनके बीच में एंगल है थीटा, तो रिजल्टेंट क्या होता है, ए स्क्वायर रिजल्टेंट का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। याद आया, वेक्टर्स हमने रिजल्टेंट निकालना सीखा था। तो आर स्क्वायर इस बार कॉस 90 हो गया 0 इज 2t2। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा मेरा, √2 × t। यानी पुली पे नेट फोर्स कितना लग रहा है,
बोलो, √2t फोर्स लग रहा है पुली के ऊपर। आप तो एंगल भी निकाल ही सकते हो ना, याद है 10t वाला, बट जनरली वो पूछते नहीं है, अदरवाइज आप तो निकाल ही सकते हो कि व्हाट इज द रिजल्टेंट एट व्हाट एंगल, आराम से निकाला जा सकता है। ठीक है, So students, the illustration was helpful, right? Press the subscribe button and the bell icon so that हम जब जब वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले एंड यू कीप टेस्टिंग योर कंसेप्ट सो दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक. थैंक यू सो मच.